हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी। मेरा नाम है मयंक पारीक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स। लास्ट के सेशंस में यूट्यूब पर हमने जीओसी में सीखा रेजोनेंस, हाइपर और इंडक्टिव के बारे में। तो रेजोनेंस के एप्लीकेशन को यूज करते हुए आज हम समझेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, क्या होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और जो नहीं होते ये दोनों वो क्यों हो जाते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मेरी टीम में पीयूष महेश्वरी सर केमिस्ट्री में, मुझे आप देख ही पा रहे हैं, मेरा नाम है मयंक पारिक। यहाँ देख सकते हैं आप प्रशांत सर हैं, प्रवीण सर हैं, प्रवीण सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, प्रशांत सर पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, ओम सर हैं, नरेन सर हैं। तो ये हमारा टीम है स्टूडेंट्स। अगर आप समझेंगे तो आपको एक बहुत सिंपल सी चीज समझ में आएगी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स का डिस्कशन रेजोनेंस के साथ ही क्यों होता है और क्यों उसके बाद ही हम समझ पाते हैं एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक की तरफ मूव करने से पहले एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना है जो मैं आपको जल्दी दे देता हूँ। आप मेरे बारे में तो जानते ही हैं, मयंक पारीक। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो पहले तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे आ रहा है @MPSIR। इंपॉर्टेंट बात यह कि यूट्यूब पे मेरे सेशन चल रहे हैं, 9 AM पर चल रहा है मॉर्निंग में रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसको आप अटेंड कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो मॉर्निंग में अटेंड करना शुरू कीजिए। इवनिंग में 7 PM पर जीओसी स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, 2-3-4 लेक्चर्स हो भी चुके हैं। आज ये लेक्चर है जीओसी के अंदर जिसको आप देख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। पहली बात तो प्लस पे भी मेरी क्लासेस चल रही है। प्लस का शेड्यूल मैं बता देता हूँ आपको। प्लस में 3 PM एंड 5 PM, 3 PM पे प्लस कोर्स चल रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म पे, 5 PM पर चल रहा है आइसोमेरिज्म। स्पेशल क्लास में चल रहा है, स्पेशल क्लास का अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। स्पेशल क्लास में आप प्लस प्लेटफॉर्म पर फ्री क्लास अटेंड कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि प्लस कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट होता है, कैसे आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, वो क्या है अलग जो प्लस में जो आपको नहीं मिलता है कहीं पर। अगर आपको देखना है तो आप प्लस की स्पेशल क्लासेज में आ सकते हैं जहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल शुरू कर चुका हूँ लास्ट क्लास में, जल्दी से आप प्लस पर रजिस्टर कर लीजिए। फिर से वही बात बोलूंगा कि पहले तो फॉलो करो मुझे, जाके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर @MPSIR डालोगे URL में तो आपको मिल जाऊंगा। उसके बाद आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको मेरे टाइम टेबल्स मतलब मेरा शेड्यूल पता लगेगा टाइमली। फिर आते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है यूट्यूब पर, मतलब बेसिकली जो YouTube पर हमारा IIT SK Velocity है उस SK Velocity का टेलीग्राम चैनल है ये। इधर अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फायदा क्या है, आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइमली, मतलब क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या क्या वीडियोज आने वाली है सब आपको पहले से पता होगा, ठीक है। आपको बार बार सर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि YouTube पर क्या अपडेट होने वाला है। मेरी वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, तो इसको जरूर कर लीजिएगा फॉलो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आ जाता है डाउट कि सर सब्सक्रिप्शन लेना क्यों है, ऐसा अलग क्या है, ऐसी क्या खास बात है जो हम प्लस को सब्सक्राइब कर लें। सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ आपको, एक क्लासरूम में हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है बीइंग एज ए स्टूडेंट। अगर हम IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो क्लासरूम्स में हमारे को सब समझ में आ जाए, जब क्लास के बाहर निकले तो हमको डाउट बता दे कोई, हमारे डाउट सेशंस हो जाए, डिस्कशन टाइम पर हो जाए, ठीक है, हमारे एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट हों जिसमें हमारा प्रॉपर रिलेशन हो कि हम कितना परफॉर्म कर पाए हैं लास्ट मंथ से या लास्ट वीक से, सब कुछ अगर आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलता है तो प्लेटफॉर्म हो जाता है इंटीग्रेटेड। यही सिस्टम है प्लस में। प्लस में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा जो हमारे टॉप एडुकेटर्स ने डिज़ाइन किया है, पर्सनल इंटरेक्शन है, डाउट सेशंस हैं जिसमें आप डेडिकेटेड डाउट सेशन है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डाउट सेशन होगा, जहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आपके एडुकेटर्स के साथ आपका पर्सनल इंटरेक्शन होगा, ठीक है। अच्छी बात यह है कि डाउट पूछने के लिए आपको डर भी नहीं लगेगा, क्यों क्लासरूम में तो कभी हमें लगता है कि सर शायद बुरा मान जाएंगे, पता नहीं मेरा डाउट सिली तो नहीं है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आपको प्रॉब्लम ये है क्योंकि यहाँ पर आपको डाउट पूछने के लिए किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका एग्जैक्ट पर्सनल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, आप टीचर के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, आप अपने डाउट्स अगर रेज करते हैं तो डेफिनेटली रिजॉल्व होते हैं। तो प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। सब्सक्राइब करने का फायदा बता दिया मैंने आपको, सब्सक्राइब करना कैसे है वही बता दूंगा। MP लाइव कोड लगाना ना भूलें, मेरा कोड है MP लाइव, अगर मेरे कोड को आप अप्लाई करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा, ऑलरेडी प्राइस बहुत कम है उस पर 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पे आके जाके आप मुझे फॉलो करेंगे तो प्लस पर मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं
उनका डिटेल आपको मिलता रहेगा। अबाउट मी में जाके आप मेरे बारे में देख सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग मिलते ही रहते हैं प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ये वीडियोस के कुछ सैंपल्स हैं यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरी क्लासेज है जो ऑलरेडी हो रही है स्पेशल पे प्लस पे। यहाँ जाके आप मेरी प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं, कैसे मैं पढ़ाता हूँ, क्या टेक्निक्स है, क्या अलग है, क्या डिस्कशन में किन बुक्स का रेफरेंस होता है, क्या मटेरियल मिलता है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे टॉप एडुकेटर्स हैं जो कि इंडिया में कहीं ना कहीं किसी बड़ी इंस्टीट्यूट के अंदर ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, और अब ये प्लस प्लेटफॉर्म पर एक्सक्लूसिवली आपके लिए काम कर रहे हैं। मतलब कि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं कि ना कि सिर्फ मैं, आप इन सभी एडुकेटर्स के लाइव लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारा चॉइस होगा अपने अकॉर्डिंग अपने प्लान को डिजाइन करने का, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तैयारी भी तो जरूरी है, और तैयारी के बाद जरूरी है तैयारी को भापना, नापना, तोलना, कैसे मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ, कितना हो चुका हूँ, मेरा क्या स्केलिंग है, कितना मैं परफॉर्म कर पाऊँ, उसके लिए टेस्ट जरूरी है। मॉक टेस्ट चल रहा है जो फ्री है, तो सेकेंड टेस्ट 13 अक्टूबर को है, लेकिन एक टेस्ट से क्या होगा, मैं बोलता हूँ कि आप वीकली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। 11, 12, 13 तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज है। करना क्या है, बस सब्सक्राइब कर लो और अनलॉक करो टेस्ट सीरीज को, ताकि आपके प्रिपरेशन में आपको ये पता लग पाए कि मैं डे बाय डे ग्रेजुअली कितना इंप्रूवमेंट अपने अंदर देख रहा हूँ। अच्छा, और सुनिए, सबसे इजी बात क्या है, सबसे अच्छी बात प्लस में यह है कि आपका शेड्यूल जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल डिजाइन कर सकते हैं। कभी कभी कोई क्लास अगर रह भी गई तो पीछे जाइए, रिकॉर्डिंग देखिए, डाउनलोड करिए नोट्स को और आगे बढ़ जाइए। बैकअप के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी क्लास खत्म हो जाती है लेकिन क्लास फिर भी रिकॉर्डेड रहती है। लैंग्वेज का चॉइस आपको मिलता है अनलिमिटेड प्रैक्टिस से। एक ही वीडियो को बार बार देखो, जब तक तुम्हारे दिमाग में सारे डाउट क्लियर ना हो जाए तब तक तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी याद आता है कि मैंने क्लास में पढ़ा था, मुझे उस टॉपिक में डाउट आ गया, तो कोई बात नहीं, आप फिर से क्या कर सकते हो, फिर से उसको देख सकते हो। आगे एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा मैं आपको, कि अगर आप प्लस पे आते हो तो प्लस पे आप मुझे यहाँ पाओगे, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, पोल करेंगे, और यहाँ जो मटेरियल डिस्कस होने वाला है, मतलब जो भी नोट्स हम डेवलप करेंगे, वो सारे के सारे सेशन के एंड में आप पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास भी हो गया, क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। इंटरेक्टिव पोल का मतलब होता है जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि बताइए आंसर ए होगा कि बी या सी, तो आप अपने अपने आंसर देंगे। इससे एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है, क्लास में कॉम्पिटिशन का आपको फील आता है। करना कैसे है, इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। सब्सक्रिप्शन पे जब जाओगे तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के नए के अलग अलग प्लान पाओगे। 1 मंथ का प्लान, 2 और 3 मंथ का, 6 मंथ का प्लान बहुत कॉस्टली है अगर आप 24 और 12 मंथ से कंपेयर करते हो, तो क्यों जाना है वहाँ पे। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि प्लान इतना लो ताकि कम से कम आपके सेशन अच्छे से कंप्लीट हो। अगर 24 मंथ पे आप जाते हो तो 24 मंथ का प्राइस आप देखिए 2000 के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से 24 मंथ का आपको टोटल जो प्राइस पड़ता है वो होता है 48,000। लेकिन अगर एमपी सर का कोड लगा दिया एमपी लाइव, तो यही जैसे ही कोड अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही ये प्राइस चला जाएगा 43,200 पे। कितना कम है, समझ में आया, 4,100 का आपको एडिशनल मिल गया बेनिफिट। ऑलरेडी 2 साल के लिए ये फीस कुछ भी नहीं है। जितना मोटा पैसा हम लोग पे करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसके अकॉर्डिंग से ये बहुत ही कम है। आगे बात करते हैं, अगर आप 12 मंथ में इंटरेस्टेड हैं तो 12 मंथ का देखिए 2500 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का बन जाता है कितना, 30,000। 30,000 भी नहीं, आप और कम कर सकते हैं। फिर से लगाओ एमपी लाइव, एमपी लाइव कोड लगाते ही कहां पहुंच जाओगे, 27,000 पे। 27,000 पे आपको क्या मिल जाएगा, 12 मंथ का पैकेज मिल जाएगा, जिसमें आप पूरे साल भर सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ये सब कुछ इंक्लूड है, सब कुछ देख पा रहे हैं। 30+ hour क्लासेस है, लाइव कोर्सेज है, 59+ टॉप एडुकेटर्स आपके लिए प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगे। तो अब आ जाते हैं कि करना कैसा है। प्ले स्टोर पे जाके पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आइए आईआईटी जेई सेगमेंट पे, जहां पे जाने के बाद आपको पेमेंट कंफर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आप जब डिटेल डालेंगे तो रेफरल कोड डाल देना एमपी लाइव। एमपी लाइव रेफरल कोड डालते ही जो अमाउंट आपको 48,000 का दिखता है वो कहां चला जाएगा, 43,200 पे। बहुत ही कम प्राइस में 24 मंथ के लिए आपको प्लान मिल रहा है। ये सब बताना था मुझे आपको, ताकि आपको पता लगे कि प्लस कैसे काम करता है, हम कैसे प्लस से कनेक्ट हो सकते हैं। अब आ जाते हैं आज एरोमेटिक कंपाउंड्स पर। ये जो प्यारा सा डायग्राम मैंने लगाया है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है,
ठीक है, तो ये सब तो होना ही है, एरोमा होगा, ठीक है, घर में बहुत सारी अगरबत्तियाँ होगी, पूजा का माहौल होगा, उस कंडीशन में जो स्मेल हमें आती है, बहुत शानदार स्मेल जो आती है, जिसको हम बोलते हैं कि ये तो कहीं कुछ एरोमा है, तो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड से ही वो टर्म आता है एरोमा का, या समझ सकते हैं कि जो हमें खुशबूदार लगते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम एरोमेटिक कहते हैं, या मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो खुशबूदार होते हैं, उनमें बहुत अच्छी स्मेल आती है। ठीक है, ये फोटो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पर, कुछ थ्योरी ज़रूरी है समझना। पहली बात तो कंपाउंड जिनमें रेजोनेंस है उन्हीं को हम कंपेयर कर सकते हैं एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के लिए। पहली बात, कंपाउंड विद एरोमा कंसिडर एज ए एरोमेटिक कंपाउंड, ये प्राइमरी बात है, मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ जिसमें खुशबू होगी वही एरोमेटिक होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जिनके पास खुशबू होती है एरोमेटिक होते हैं। हकल सूल ने डिफाइन किया एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हकल ने समझाया कि जो भी आप कैलकुलेट करते हो ना एरोमेटिक कंपाउंड्स में, मतलब ऐसे ही कुछ नहीं बोल दिया, ठीक है, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक को ऐसे ही नहीं बोल दिया, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी हकल्स की, और मैथमेटिक्स के गलत होने के चांसेस कम होते हैं, केमिस्ट्री में फिर भी गलत हो जाता है, ये केमिस्ट्री का नेचर है। ठीक है, उसने कैलकुलेट किया कि अगर कोई प्लेनर है मोनोसाइक्लिक है, फिर से देखिएगा, प्लेनर है मोनोसाइक्लिक है, कंटेन करता है 4n+2, उस कंडीशन में अगर n का वैल्यू 0 से शुरू होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कंटेनिंग 2 6 10 14 etc पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अगर डाउट आता है तो बता देता हूँ, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, या नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करते हैं। ठीक है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, इन सबको हम किस में काउंट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मोनोप्लेनर मोनोसाइक्लिक रिंग जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर n का वैल्यू 0 1 2 3 4 आ रहा है, या फिर ऐसे बोलें कि 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, सबसे ज़्यादा जिस एरोमेटिक कंपाउंड को हम जानते हैं वो बेंजीन होता है, बेंजीन में अगर पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ठीक है, बेंजीन एंड शुड हैव सब्सटेंशियल रेजोनेंस एनर्जी, ये बोल सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें जो प्लेनर हो, साइक्लिक हो, कॉन्जुगेटेड हो कम्प्लीटली, और जिनमें बेंजीन जैसी स्टेबिलिटी होती है या उसके जैसी या उसके इक्वलेंट एनर्जी स्टेबिलिटी होती है, उनको एरोमेटिक कहा गया। एक इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ डाला है मैंने जिसको आप ध्यान रखिएगा कि प्लेनर मोनोसाइक्लिक रिंग्स विथ 2 6 10 14 डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन शुड बी एरोमेटिक, ऐसा अज्यूम किया जाता है, कभी कभी गलत भी होता है क्योंकि एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में होते हैं, लेकिन इन जनरल जो स्टेटमेंट है वो है कि अगर आपका मॉलिक्यूल प्लेनर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, तो सिस्टम में अगर आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 2 6 10 इस तरह का अगर नंबर आपको मिल रहा है, तो आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। आगे बात करते हैं हकल का पॉलीगन रूल। पॉलीगन रूल से एक्सप्लेन किया गया कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी का क्या पंगा है, पहली बात तो। दूसरा बताया गया कि क्यों एरोमेटिक बहुत ज्यादा स्टेबल है एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से। बात करेंगे, देखिए कोई भी कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस है, मतलब उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन का एक उनको फिल करने का तरीका होता है। पढ़िए यहाँ पे, हकल सूल कंसर्न विद द कंपाउंड कंटेनिंग वन प्लेनर रिंग विद ईच एटम हैज अ पी ऑर्बिटल, मतलब अगर रेजोनेंस है तो हकल रूल को कंसिडर किया गया, पहली बात। दूसरा, दिस कैलकुलेशन शो कि प्लेनर मोनोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन शुड बी एरोमेटिक, ये स्टेटमेंट था उसका। उस स्टेटमेंट को उसने कैसे जस्टिफाई किया, देखिए, सबसे पहले एक कंपाउंड लिया गया है जो बेंजीन जैसा दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये बेंजीन ही है, लेकिन बेंजीन को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है किस बेसिस पर, बेंजीन को एक्सप्लेन किया है MOT पर,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। क्या बोलता है पहले जरूर समझना, किसी भी मॉलिक्यूल को उसकी एज से पकड़कर अगर आप रख देते हैं, देखिए ये एज है, इसके अलोंग रख दिया और जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें कितने हैं, टोटल 3 pi bond है, मतलब 6 pi इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है, 6 pi इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 6 pi इलेक्ट्रॉन्स को हम अरेंज करना शुरू करते हैं एज बाय एज। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को रखेंगे उसके एज से, मतलब वर्टेक्स के यहाँ से हम उस एज से रखेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे बीच में से। जो डिवाइड कराया ये पार्ट क्या है, ये डिवाइड वाला पार्ट जो है बेसिकली ये है ऊपर वाला और नीचे वाला। नीचे वाला जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ऊपर वाला जो है वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग यानी कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं बी एम ओ, ऊपर लिखते हैं ए बी एम ओ। तो बी एम ओ और ए बी एम ओ के बीच में से जो लाइन पास होता है, मतलब मॉलिक्यूल के जस्ट हाफ में से, उसको हम बोल देते हैं नॉन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एन बी एम ओ। तो ठीक है, नॉन बॉन्डिंग हो गए, एंटी बॉन्डिंग ऊपर वाला सेगमेंट होता है, बॉन्डिंग होता है नीचे वाला। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भरे जाते हैं, इस वर्टेक्स पर पहला इलेक्ट्रॉन डाला गया, ठीक है, उसके बाद पहला इलेक्ट्रॉन डाला गया, दूसरा, फिर दूसरा यहां भरा, तीसरा यहां भरा, फिर हुंड्स मैक्सिमल मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करी, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो थे वो बॉन्डिंग में ही खत्म हो गए। अब बॉन्डिंग में खत्म हो गए पहली बात, दूसरी बात यह है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है, पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट हैं सारे इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड नहीं है। तो यहां से रिजल्ट निकल के आता है कि अगर कोई भी कंपाउंड जो कि एक्सपेक्टेड है कि उसमें रेजोनेंस है, साइक्लिक है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, उसमें अगर 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं, कितने होते हैं, 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका कैलकुलेशन इतना टेक्निकली आता है कि अपने आप आपका इलेक्ट्रॉन हमेशा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही रहेगा, ठीक है, कभी नहीं जाएगा नॉन बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में। पहली बात तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन कहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, आपके सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं बॉन्डिंग में, इस कंडीशन में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बॉन्डिंग में आने के कारण पहली बात तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 0 unpaired इलेक्ट्रॉन। 0 क्या है, 0 है आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 0 है। इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल कैसा है, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है पहली बात तो। दूसरा ये है कि स्टेबल है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, डायमैग्नेटिक है, सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं बॉन्डिंग में है। साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन और मिलती है हमको, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाते हैं उसको हम कहते हैं एरोमेटिक। तो एरोमेटिक जो होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में एनर्जी बहुत कम होती है, तो कम एनर्जी और 0 unpaired इलेक्ट्रॉन होने के कारण आपका एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये रीज़न रहा बेंजीन के स्टेबल होने का। फिर उसने इसी कंपाउंड को फिर से लिया और यहाँ एक्सप्लेन किया, ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन बनाना चाहता था। ठीक है, मतलब कि पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजिशन पर लगे होंगे, इसको अगर आपने देखा होगा तो आपने इसको इस तरह से देखा होगा, पाई यहां लगा होगा, पाई यहां, यहां, इसको हम बोल देते हैं टप शेप, टप शेप कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, टप शेप कहते हैं।
टप शेप होने के कारण ये अपने प्लेन से बाहर होता है, तो एरोमेटिक तो नहीं होता, ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कुछ लोगों को डाउट आता है कि सर कैलकुलेशन के हिसाब से देखो तो ये तो एंटीबॉडी होना चाहिए, कोई मॉलिक्यूल नहीं चाहता कि मुझे एंटी बनना है, अगर पॉसिबिलिटी है रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो बाहर निकल के बन जाएगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। फिर से वही बात, एच से हम इन सब को भरना शुरू करते हैं पहले, तो तीन वर्टेक्स में हमें कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, दो यहाँ और दो यहाँ, हम बॉन्डिंग में भर चुके हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये किसका है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। अब बचे हमारे पास सिक्स के बाद दो, जो मुझे एक यहां भरना पड़ेगा एक यहां, क्योंकि एनर्जी में जब भी फिलिंग करते हैं तो लोअर से हायर करते हैं, पहले नॉन बॉन्डिंग, पहले बॉन्डिंग कंप्लीट किया, अब हम आ रहे हैं किस पर, नॉन बॉन्डिंग पे। नॉन बॉन्डिंग में जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला गया किस्सा खत्म, क्यों, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। पहली बात, अनपेड इलेक्ट्रॉन आते स्टेबिलिटी क्या हो गई, बहुत कम हो गई, ठीक है, एनर्जी बढ़ गई, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, पहली बात तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्या है, ये पैरा मैग्नेटिक है, कैसा है, पैरा मैग्नेटिक हो चुका है, ठीक है। अब क्योंकि साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो होता है एट मेंबर रिंग है, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, क्या है, फ्लेक्सिबल है, इस फ्लेक्सिबिलिटी के फायदा उठाने के लिए मॉलिक्यूल दिखने में कैसा था, एंटी एरोमेटिक, लेकिन जानबूझ के ही अपने प्लेन के बाहर जाता है टू कन्वर्ट नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक बनने के लिए कहां चल जाता है, ये प्लेन के बाहर चला जाता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी के हिसाब से देखेंगे तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, हाईली अनस्टेबल होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने भी चाहिए और रिएक्शन शो भी करता है ये, किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, जो बेंजीन नहीं करता, ठीक है। तो रीजन क्या है, ये मॉलिक्यूल जो था बनने में एंटीरोडिक बनता, ये एक्सप्लेन किया किसने, पॉलीगन रूल ने, अपनी एरोमेटिसिटी को बचाने के लिए, अपने आप को अनस्टेबल होने से बचाने के लिए ये प्लेन के बाहर चल जाता है, क्योंकि इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी, एट मेंबर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये केस रहा किसका, साइक्लो ऑक्टा 1, 3, 5, 7 टेट्राइन का, ठीक है, जिसमें अल्टर पोजिशन में क्या लगे हैं, डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। एक जो नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल जो आता है इसको आपने बहुत देखा होगा, ये कंपाउंड आपको इस तरह मिलता है जिसमें हम बड़ी बातें करते हैं कि ये डाइमर बनाता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, डाइमराइजेशन करता है। डाइमराइजेशन करने का रीजन क्या है इसका, सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि कंपाउंड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है, मतलब बेसिकली जिसको हम इस तरह देखते हैं, इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, यहाँ होता है, ये कभी कभी इस फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है, हम बोलते हैं रेडिकल फॉर्म में होता है, और ये रेडिकल क्या करेगा, ये बनाएगा डाइमर, क्या बनाएगा, डाइमर। ऐसा क्यों होता है समझिए, इस पर एक सवाल भी लिया है मैंने इलस्ट्रेशन के अंदर। कंपाउंड को आप देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरे गए इस वर्टेक्स के अलोन, इस तरह से रखा है, ठीक है, फिर इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिर से भरे गए, जैसे ही नॉन बॉन्डिंग में आया अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन आते ही क्या बन गया, पैरा मैग्नेटिक बन गया, क्या बन गया, पैरा बन गया मैग्नेटिक, फिर बन चुका है अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव है, क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो इसलिए जिन चीजों को हमने आज तक याद किया, रट लिया कि अनस्टेबल है ये स्टेबल होता है, ठीक है, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इस रूल से आ सकता है। अगर आपको ज्यादा पढ़ने का मन होता है, ठीक है, तो आप पोला ब्रूस भी उठा सकते हैं, पोला ब्रूस में इसी रूल को बहुत अच्छे से थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया गया है, सारा रेफरेंस जो है पोला ब्रूस से आपको मिल जाएगा अगर आपको डिटेल में पढ़ने का मन है। बाकी जो कंक्लूजन मैं आपको बता चुका हूं कि किस वजह से और क्या समझते हुए उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया। अब आ जाते हैं हम किस चीज पर, अब आ जाते हैं हम
प्रॉपर्टीज पर जिसको हमने कंक्लूड किया है वो बेसिकली यहां पर है, ठीक है। जो हमने कंक्लूड किया है वहां से वो बेसिकली यहीं पर आ चुका है। बात करते हैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज की। पहली बात तो एरोमेटिक होता है 4N+2 पाई इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेटेड होता है, प्लेनर होता है, हाईली स्टेबल होता है, डायमैग्नेटिक होता है। देखते जाइए पॉइंट्स, लेस या अनरिएक्टिव सा ही मान लीजिए, मतलब रिएक्शंस में सोडियम एटम का रिएक्शन नहीं करता या रिएक्शन जब करेगा तो बहुत स्पेशल कंडीशंस में करेगा। पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BOM में पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी जीरो होता है। 4N पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल हाईली रिएक्टिव लिखा है यहां पर, इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन कभी कभी आपको मिलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल जो मैं आपसे डिस्कस किया था कि कैसे साइक्लोब्यूटा 1.3 डाइईन अनस्टेबल होता है। आईपीसी नेम क्या है इसका? साइक्लोब्यूटा 1.3 डाइईन। क्या है? साइक्लोब्यूटा 1.3 डाइईन ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड के बारे में एक सवाल हम देखेंगे, क्योंकि अब IIT JEE इंटीजर पे आ चुका है, ठीक है, तो थ्योरी से हमको थोड़ा सा ज्यादा फैमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि वो रीजन पूछ सकते हैं, ठीक है, वो कैलकुलेशन पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द गिवन कंपाउंड अंडरगो डाइमराइजेशन, क्यों बनाता है डाइमर एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर में डाइमर क्यों बना लेता है? पहली बात तो रूम टेम्परेचर ही क्यों लिखा है? क्योंकि 4 केल्विन पर, 4 केल्विन पर, कितने पे? 4 केल्विन पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसा बिहेव करते हैं? इनर्ट बिहेव करते हैं, ठीक है। 4 केल्विन पर इनर्ट बिहेवियर होता है किसका? एंटीबॉडी कंपाउंड्स का। आगे देखिए, साइक्लोब्यूटा 1.3 डाइईन कंपाउंड के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है ठीक से देखिएगा। एक्सप्लेन व्हाई द गिवन कंपाउंड अंडरगो डाइमराइजेशन एट द रूम टेम्परेचर विद एक्टिव मेटल, क्यों जाता है ये डाइमराइजेशन पर, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन क्यों करता है? दूसरी बात यह है कि एक तो बनाता है डाइमर, दूसरी बात यह कि ये रिएक्ट क्यों करने लग जाता है एक्टिव मेटल के साथ। दो क्वेश्चन है, पहले का जवाब तो आपको यही मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखिए, मैंने आपको कहा था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें? साइक्लोब्यूटा 1.3 डाइईन में, क्योंकि ये पहली बात तो कैसा है, काउंट करो, 2 और 1 और 1, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, वो भी कौन सा? फुली कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, फुली कॉन्जुगेशन में है, साइक्लिक है। इसका जो कंक्लूजन आता है निकल के, क्या आएगा कंक्लूजन? आएगा हमारे पास कि कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। कैसा? एंटी एरोमेटिक, ओके। बात करते हैं कि बेसिकली ऐसा क्या होगा, जिसको आप इस तरह देखते हैं वो बेसिकली इस तरह होता है। अभी अकेला नहीं है, इसका साथ एक दूसरा भी ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक छोटा सा कंपाउंड तो लिया नहीं है, चिमटी में निकाल लिया, हमने तो मोल में बात करते हैं ना, बल्क में बात करते हैं, तो बल्क में ये होगा तो इसके साथ दूसरा भी कोई होगा, दोनों मिलकर डाइमर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? डाइमर बना लेंगे। डाइमर बनाने का फायदा क्या है? जो अभी अनस्टेबल है, जो अभी कैसा है, अनस्टेबल है, वो इससे ज्यादा स्टेबल हो सकता है। कैसे? जब डाइमर बन जाएगा तो पाई बॉन्ड यहां पर आपको समझ में आएगा कि पाई बॉन्ड अब यहां आ चुका है, ठीक है। तो बेसिकली आपने बना लिया नॉन एरोमेटिक। जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है या एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो सिंपली वो सब क्या है? नॉन एरोमेटिक है। और क्योंकि नॉन एरोमेटिक में रेजोनेंस नहीं होता,
तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का कोई रीजन नहीं है वहां पर, ठीक है, कोई वहां पर रेडिकल रेडिकल नहीं बनता। तो स्टेबिलिटी में हमेशा सबसे आगे होता है, सबसे आगे होता है कौन, सबसे आगे होगा एरोमेटिक, एरोमेटिक के बाद आता है एंटी एरोमेटिक और लास्ट में आता है नॉन एरोमेटिक। ये कंडीशन अगर रेजोनेंस के साथ देखी जाए तो, ठीक है, लेकिन रेजोनेंस होने के बाद भी एंटी एरोमेटिक को हमेशा पीछे की तरफ शिफ्ट करा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो ये जो ऑर्डर रेजोनेंस के हिसाब से है, इसमें ये चेंज आप ऑब्जर्व करते हो, जो हमको कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस से तो स्टेबिलिटी आता है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक के पीछे क्यों रखा है? क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो हाईली रिएक्टिव है। तो बेसिकली अब थोड़ा सा चेंज ये होगा कि एरोमेटिक देन नॉन एरोमेटिक और लास्ट में आ जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। समझ में आया क्या? तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ती है। किस काम आती है ये? हमारे यूज आती है स्टेबिलिटी ऑर्डर में। एरोमेटिक सबसे आगे, बीच में नॉन एरोमेटिक। तो बेसिकली आपने एंटी से बना लिया नॉन, क्या बना लिया आपने, एंटी से बनाया है नॉन एरोमेटिक, मोर स्टेबल बन गया, इसलिए बना लेता है डाइमर। पहली बात तो ये हो गई कि डाइमर क्यों बना लेता है। अगला आता है, देखिए डाइमर के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि यहां और यहां दोनों तरफ क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों मैच होके बना लेंगे डाइमर। क्या बना लेंगे? डाइमर बना लेंगे। और ये बनेगा स्टेबल बनेगा, क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा पहले के रेस्पेक्ट में। फिर आता है द सबस्ट्रेट इज एंटी एरोमेटिक एंड देयरफॉर अनस्टेबल, इट्स रेडली अंडरगो डाइमराइजेशन टू गिव ए प्रोडक्ट विच इज नॉन एरोमेटिक। ये इसका कंक्लूजन है। इट रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल एज फॉलोज। एक्टिव मेटल मतलब क्या है? सोडियम ले लीजिए, एस ब्लॉक का मेटल ले लीजिए। सोडियम क्या करेगा? दो सोडियम लोगे तो दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब जो दो इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली इस कंपाउंड को हम इस तरह से फील करते हैं कि यहां भी डॉट है और यहां भी डॉट है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन सोडियम की तरफ से आ गए तो ये कंप्लीट क्या बन गया? ये बन गया माइनस चार्ज। क्या आ गया दोनों पर? जहां पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, अब वह माइनस चार्ज आ चुका है। आगे बात करते हैं, माइनस चार्ज आने से, देखिए इसको, माइनस चार्ज आने से जो पहले एंटी एरोमेटिक था, अब वो क्या बन चुका है? माइनस माइनस और पाई, यानी कि सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स अब बन चुका है। सिक्स पाई साइक्लिक प्लेनर सिस्टम कैसा है? एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए बेसिकली सोडियम मेटल के साथ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन हो जाती है, बहुत फास्ट होती है, क्योंकि ऐसा सिस्टम मिल पाना एक तरह से क्या है, अचीवमेंट है मॉलिक्यूल के लिए। एंटी से चला गया एरोमेटिक में, सीधा जंप अनस्टेबल हाईली हाईली स्टेबल, ठीक है। तो ये तुरंत बना लेता है। इसका जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ लीजिए, नीचे लिखा है जो, ऑब्वियसली द रिएक्शन विद द एक्टिव मेटल कन्वर्ट्स द अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल कंपाउंड इनटू ए एरोमेटिक स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। स्टेबल से अनस्टेबल से स्टेबल बना रहा है ना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाती है, ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाती है, रिएक्शन होती है। फिर बात करते हैं हकल रूल्स की। हकल ने अपने कुछ पर्टिकुलर रूल दिए और उस रूल के अकॉर्डिंग उसने हमें समझाया कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन में। तो उसने एक्चुअल में ये बोला कि सब कुछ एक जैसा है, सब कुछ कैसा है, एक जैसा है, एक चीज को छोड़कर, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को। ये कैलकुलेशन मैथमेटिकल थी कि साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए और फुली कॉन्जुगेटेड, मतलब फुली कॉन्जुगेटेड होगा तो अपने आप प्लेनेटी में आ जाएगा, जिस सिस्टम को आप कंसिडर करते हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लेनर कंपाउंड्स, मतलब हम सिर्फ उस सिस्टम की बात करते हैं जिसको हम डील करते हैं। आईआईटी जेई में एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया था, ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें छोटा सा एक डाउट आ गया था लोगों को, सिस्टम को थोड़ा बड़ा कर लिया, साइकिल को नहीं लिया, उन्हें पूरे उस मॉलिक्यूल को ले लिया,
तो उस चीज को क्लियर करने के लिए बोल रहा हूं आपको बार बार, उस साइक्लिक सिस्टम को काउंट करना है जिसमें आप कंसिडर करने वाले हैं। बाकी कुछ भी हो रहा है उसको छोड़ दो, उसको कंसिडर नहीं करना। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सिस्टम जो कि साइक्लिक है, प्लेनर है, मतलब कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, इसमें पूरे में फर्स्ट क्लास रेजोनेंस हो रहा है, उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो एरोमेटिक होगा या वो नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है, एंटी एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होगा तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 0 1 2 3 4, n 1 2 3 4 अगर होता है तो क्या बन जाता है, बन जाता है एंटीरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर n का वैल्यू 0 हो गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही नहीं, तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा तो फिर एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट ही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए, अब हम कैलकुलेट करना सीखते हैं, हम अब निकालना सीखेंगे बेसिकली कि हम कैसे अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल को देखकर हम ऑब्जर्व करके बोले अच्छा इसमें कंडीशन है तो भैया आंसर क्या होगा, ये होने वाला। देखिए जैसे इसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने, दो। दिमाग से डाउट निकाल देना कि दो लोन पेयर है तो दोनों काम आते हैं, किसी भी एटम पर अगर दो लोन पेयर है तो एट ए टाइम यूज सिंगल लोन पेयर इन रेजोनेंस, एट ए टाइम, एक टाइम पर कितने, एक ही यूज करना है लोन पेयर, समझ में आया। ये करता है रेजोनेंस और ये चला जाता है यहां, इसका क्या होगा, ये कैसा है, ये एटम sp3 है। अगर रिंग को प्लेनर होना है उस कंडीशन में पहला जो केस होता है कि साइक्लिक है, ठीक है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड की बात करें ये नहीं है, ये कार्बन जो है रेजोनेंस से चूक गया है, यहां पर नहीं है, यहां रेजोनेंस नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो अगर कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है तो कहानी यही खत्म, ना तो होगा एरोमेटिक, ना होगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है, दोनों ही नहीं होंगे। फिर जब कुछ नहीं होता तो क्या बनता है लास्ट में, नॉन एरोमेटिक, जिसका कोई नहीं उसका नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अगला सवाल, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, फिर से वही बोल रहा हूं, एक काम में लेना है sp2 प्लस चार्ज, sp2 ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर कर रहा है रेजोनेंस, ठीक है। अब जब रेजोनेंस करेगा तो अगली स्टेज में कैसा दिखेगा, अगर रेजोनेंस करेगा तो उस कंडीशन में आपको दिखेगा कुछ ऐसा, यहां पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, ठीक है, यहां आ गया माइनस, यहां आ गया प्लस, ये अब देख सकते हैं आप, प्लस माइनस पास पास है, ये तो टेंड करके बना ही क्या लेंगे, अगले स्टेप में पाई बॉन्ड बना ही लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन पे आ चुका है प्लस, ये पाई, इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो हमको समझ में आता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक तो है ही, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में आ चुका है, तो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, क्या है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है। इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि कंपाउंड में सब कुछ सेम है जो हमें चाहिए था अकॉर्डिंग टू एरोमेटिक, तो हमारा फाइनल कमेंट होगा इट इज एरोमेटिक, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, बोरोन का नेचर होता है sp2 कार्बन जैसा, मतलब इसको आप प्लस मान लो, ठीक है, इसको प्लस मान सकते हो आप, कुछ चीजें ज्यादा अच्छे याद रहती है हमारी हिंदी भाषा में, ठीक है, प्लस मान लो, और जो प्लस के साथ करते आए हो वही इसके साथ करो, जो प्लस के लिए कंसिडर करते हो इसके लिए कंसिडर करो।
sp2 रेजोनेंस तो होगा, ठीक है, कभी इधर से कभी उधर से, इसका मतलब सिस्टम में रेजोनेंस तो पूरे में है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर अब 4π आ रहा है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड भी है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में सबका मिलाकर जो रिजल्ट आता है वो आता है एंटी एरोमेटिक। ओके, समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। इस कंपाउंड को गौर से देखिए, फिर से ऑक्सीजन पे लोन पेयर और लोन पेयर प्लस, ये भी रेजोनेंस कर सकता है, ये भी रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन काम करते हैं, एक पाई बॉन्ड दो लोन पेयर, यानी कि 6π इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक तो आंखों से ही पता लग गया, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होगा, और अगर कॉन्जुगेटेड है तो उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा, एरोमेटिक आएगा, क्या आएगा, एरोमेटिक आने वाला है। तो ये कैलकुलेशन हो गई किसकी, इस कंपाउंड की, जिसमें हमको पता लग गया कि कैसे हम निकाल सकते हैं एरोमेटिक। और एग्जांपल लेंगे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। बोरोन के बगल वाले ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन जब देगा उस कंडीशन में, अगर रेजोनेंस को आप कंसिडर करोगे, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, उस पर आएगा प्लस, डबल बॉन्ड बनेगा बी के साथ, बोरोन के साथ, और ये ऑक्सीजन जो होगा अपने लोन पेयर के साथ मस्त है, ठीक है। तो दो पाई बॉन्ड एक लोन पेयर, यानी कि 6π इलेक्ट्रॉन। अब ये पूरा सिस्टम रेजोनेंस में है, एकदम शानदार तरीके से रेजोनेंस में है, ठीक है। तो यानी कि कंप्लीटली क्या है, कॉन्जुगेटेड है, समझ में आया क्या, कंपाउंड होगा एरोमेटिक, क्यों होगा, साइक्लिक है, पूरे में रेजोनेंस है, 6π इलेक्ट्रॉन है, और क्या चाहिए एरोमेटिक को, ये कंपाउंड ट्राइपोलियम आयन, ट्रिपोलियम आयन, ये नाम बहुत सुना होगा आपने, बहुत गजब का स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। रेजोनेंस होता है इसमें गजब का, तगड़ा रेजोनेंस है इसके अंदर, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, मॉलिक्यूल साइक्लिक है, सब कुछ कैसा है, सब कुछ कैसा है, सारे एटम sp2 है, मतलब प्लेनर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, कंप्लीटली क्या है, कॉन्जुगेटेड है, 6। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6π इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कंक्लूजन आता है क्या, कंक्लूजन आता है एरोमेटिक। इसके लिए कुछ कहना चाहूंगा, इट इज नॉट जस्ट अ एरोमेटिक कंपाउंड, इट्स इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड। इसके आगे ये लग जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी, चार्ज आने के कारण रेजोनेंस आया है, चार्ज स्पीशीज है, क्या है ये चार्ज्ड स्पीशीज है, प्लस एरोमेटिक है, यानी इनका स्टेबिलिटी न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कहते हैं, नॉट जस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। इसको देखिए, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, होपलेस, sp3 क्या करेगा, रेजोनेंस ही नहीं कर पाएगा, कुछ भी हो, कितना रेजोनेंस हो, लेकिन इस एटम का रेजोनेंस नहीं होगा, ये पार्ट नॉट इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में नहीं है शामिल, कुछ नहीं कर सकते उस कंडीशन में।
आप क्या बोलेंगे कि भैया देखो रेजोनेंस ही नहीं है पूरी रिंग में, किस बात का एरोमेटिक, किस बात का एंटी एरोमेटिक, समझ में आया क्या? अगला सवाल, ऑक्सीजन नहीं मानेगा अपना लोन पर दे के ही रहेगा, और जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसमें आपको दिखेगा ऐसा कुछ। ऑक्सीजन पर आ चुका है प्लस, यहाँ निगेटिव, यहाँ पाई, यहाँ पाई, इस कंडीशन में फोर, इस कंडीशन में आपको जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे बेसिकली, एक सेकंड, रुकावट के लिए खेद है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हमको यहाँ मिलने वाले हैं बेसिकली, मार्कर से साफ कर सकते हैं, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेटेड भी है, कैसा है, कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, प्लेनर है, तो रिजल्टेड क्या आएगा, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इतने सारे एग्जांपल लेने का एक ही लॉजिक है ताकि तुमको समझ में आ जाए कि निकालना कैसे है, कैसे करना है डिफरेंशिएट। इसको देखिए, देख के मन में एक ही ख्याल आता है, बोला यह नहीं है, ये क्या है, sp3, इसका तो कुछ नहीं होगा, रेजोनेंस ही नहीं है, नॉट कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। अब जब कॉन्जुगेटेड ही नहीं है कंप्लीटली, तो क्या बोल सकते हैं, इट्स नॉन एरोमेटिक, बात खत्म यहीं पर। ठीक से देख लीजिएगा, नाइट्रोजन पर लोन पर हुआ तो क्या हुआ, बोल सकते हैं सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन तो है, रेजोनेंस कहाँ है पूरी रिंग में, क्या करोगे बिना रेजोनेंस के, दो लोन पर हमारे काम का एक, सर्किल में जो है उसी को, इस रिंग में जो है उसी को काउंट करना है, पाई पाई पाई, पाई पाई का हिसाब है यहाँ पर, क्या पाई पाई का हिसाब है, साइक्लिक है, प्लेनर होगा क्योंकि पूरी रिंग में रेजोनेंस है, उस कंडीशन में कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन आ जाता है रिंग में तो अपने आप पेनल्टी की तरफ चली जाती है। कंक्लूजन की बात करो तो सबको पता लग गया होगा कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन पे एक लोन पे, दूसरा लोन पे नाइट्रोजन, पाई पाई, ये इधर, ये इधर, ये इधर घूमता रहेगा, इसका लोन पेयर ये है परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में, कौन से ऑर्बिटल में, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में, इसका रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नॉट इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, बोलो समझ में आया क्या, सिंपल सा बंडा, लोन पेयर पाई पाई, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के साथ फुल रेजोनेंस है, फुली कॉन्जुगेटेड है, क्या है, फुली कॉन्जुगेटेड है, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, कमेंट होगा हमारा, कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन होगा एरोमेटिक, क्या होगा, एरोमेटिक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको देख के फील आती है कि नहीं देखिए रेजोनेंस तो है, रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन सर आपने तो कहा था मोनोसाइक्लिक, यहाँ तो बहुत सारी साइकिल है, ये तो मोनो नहीं है, ये तो पॉली है, लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करो तो आपको एक फ्लो समझ में आएगा। फिर से मैं आपको समझाना चाहूँगा, हम अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास पूरी फैसिलिटी है, ठीक है। गौर से देखिए इन पाई बॉन्ड को, आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ फ्लो कर रहे हैं, बेसिकली ये आउटर जो रिंग देख रहे हैं ना आप, एक कलर और यूज़ कर सकते हैं, ये लीजिए, जहाँ जहाँ से ये मार्कर जा रहा है, यहाँ यहाँ पर बेसिकली रेजोनेंस है,
तो ये आउटर शेल, आउटर जो पेरीफेरी पे चल रहा है ना, इसको बोलते हैं पेरीफेरियल रेजोनेंस, सर्कमफेरेंस रेजोनेंस होता है ये, ठीक है, जो सिर्फ क्या होता है आउटर वाले बोन्स पर होता है, बीच वाली रिंग्स को कंसिडर ही नहीं करते। जो रिंग को कंसिडर नहीं किया तो किस बात का मोनोसाइक्लिक, किस बात का पॉलीसाइक्लिक, एक ही रिंग है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और सिर्फ यही फ्लो करेंगे। अब काउंट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप देख रहे हैं फुली कॉन्जुगेटेड है। डाउट आता है कि सर ये तो बता दो कि बीच वाले का क्या होगा, तीनों एटम जो इससे अटैच है वो प्लेन में है, तो इसको ही प्लेन में आना पड़ेगा, मतलब पूरी रिंग कैसी है, प्लेनर है, ठीक है, पूरी रिंग कैसी है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन से। कॉन्क्लूजन साफ साफ निकल के आता है, कॉन्क्लूजन निकल के आता है कि भाई क्या होगा, ये होगा क्या, ये होगा एरोमैटिक, क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ओके, फिर से आ गया बोरोन, पाई पाई पाई। एक कंपाउंड हमने देखा था जिसमें हमने क्या किया था, अभी आपको याद दिला देता हूं, याद आएगा बिल्कुल, जिसको मैंने नाम दिया था ट्रिपोलियम आयन। ट्रिपोलियम आयन की कहानी बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, ये और ये लगभग लगभग सेम है, ठीक है, लगभग लगभग क्या है, एक ही जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं, स्टेबिलिटी में है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, इन दोनों का लॉजिक एरोमेटिक होने के लिए सेम आने वाला है। कैसे, ये sp2, ये भी sp2, पाई पाई पाई, पाई पाई पाई, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं। समझ में आया क्या, फिर अंतर किस बात का, किसी का नहीं, ये भी एरोमेटिक था तो ये भी एरोमेटिक ही होगा। समझ में आया, बोरोन का बिहेवियर sp2 कार्बन पॉजिटिव चार्ज जैसा ही होता है, जैसा ये है वैसा ही ये होने वाला है। ओके, इसको देख के तो कोई भी बोल सकता है, इसको बोल के देख के कोई भी बोल सकता है, ठीक है, क्या ये पिरिडीन था, पिरिडीन का प्रोटोनेशन हुआ तो पिरिडीनियम आयन बन गया, पिरिडीनियम आयन बन गया। अभी भी 3 पाई तो है ना, 3 पाई है मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेटेड है। इस कंडीशन में सारे sp2 हैं तो प्लेनर है, ठीक है, इस कंडीशन में सिंपली आप बोल सकते हैं इट इज एरोमेटिक। ऐसा क्यों हुआ, बात सुनिएगा, इसको अगर आप गौर से देखें तो प्रोटोनेशन से पहले ये ऐसा दिखता था, बहुत ही शानदार। ये जो लोन पेयर है ये किस में था, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में था, इसका पहले भी कोई रोल नहीं था, ठीक है, प्रोटोनेट कर देने के बाद भी इसका कोई रोल नहीं रहा, मतलब ये लोन पेयर कभी यूज ही नहीं आया, नॉट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में कभी रहा ही नहीं, हमेशा ये अलग ही रहा है, क्या रहा है, हमेशा अलग ही रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये लोन पेयर इधर, पाई बॉन्ड इधर, ये लोन पेयर इधर, इसका जो लोन पेयर दूसरा होगा वो कहाँ होगा, नॉट इन यूज, उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भैया, एरोमेटिक बोलो सीधा। अब तो प्रैक्टिस हो चुका है इतना कि दिखने लगा होगा, ठीक है,
सेम कंपाउंड कुछ कुछ मिलता सा, याद करो ये और ये क्या डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस ये है कि यहां पर एक एच लगने वाला है, ठीक है। इसको समझेंगे इस तरह से कि ये बेसिकली एक हाइड्रोजन हुआ है यहां, ठीक है। ये हाइड्रोजन रहा है, ये प्रोटोनेट होने के बाद का सीन है। फिर से याद दिला देता हूं, अभी भी रेजोनेंस इनका तो वैसा ही चल रहा है जैसा चलता आया है। उस कंडीशन में 6 pi इलेक्ट्रॉन अगर है तो आंख बंद करके बोलो, क्या बोलोगे? आंख बंद करके बोलो एरोमेटिक, ठीक है, कंपाउंड। इसको देख के किसकी याद आती है? इसको देख के लोन पेयर के रेजोनेंस की याद आती है। मतलब कि अगर इसको ज़्यादा डीपली देखना है तो ऐसा फील कर लो, ये हो चुका है कुछ दिखने में ऐसा। समझ में आया क्या? अब जो है ये एरोमेटिक होगा, क्या होगा, कैसे पता? अरे 3 pi इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड यानी कि 6 pi इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंट है कंप्लीटली रेजोनेंस में है, ठीक है। और सारे sp2 हैं, sp2 एटम्स, तो प्लेनर तो होगा ही। उस ऑक्सीजन से हमको कोई मतलब नहीं है, हमारी दुनिया में एरोमेटिसिटी के लिए इतनी जगह है बस, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। इसमें कैसे फील आई सर? उसमें तो आ गई, कोई बात नहीं। ये sp2 है ना, ये पाई है, ये पाई है, ये लोन पर है, ये बाहर वाला लोन पर क्या है? नॉट इन यूज। समझ में आया? सेम वही केस इसमें हो जाएगा। याद करो ऑक्सीजन वाला केस लिया था हमने, फिर से वही दिखने वाला है। क्या दिखेगा? ऐसा दिखेगा, प्लस आएगा, एच आएगा, ओ माइनस आ जाएगा। ये भी तो क्या है, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एरोमेटिक है क्योंकि रिंग एरोमेटिक है। सेम कंपाउंड 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक। इसको छोड़ो, इसको देखो sp2, वो भी है sp2, ये रेजोनेंस करके बन जाएगा। इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजोल, नाइट्रोजन अपने लोन पर इधर देता है, ये अपने इधर देता है, और बना लेते हैं कुछ बेड बॉन्डिंग। उस कंडीशन में 3 बन जाते हैं पाई बॉन्ड, कितने बन जाते हैं? ये भी पाई बॉन्ड बनता है, ये भी बनाता है पाई बॉन्ड, ये भी बनाता है। एक सेकेंड मार्कर भैया इधर आइए, यही बनाता है पाई बॉन्ड, ये भी बनाता है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पाई बॉन्ड हो गए कितने हैं? 3, मतलब 6 pi इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन और बोरोन है, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्योंकि 6 एलिमेंट पे बना है और दिखने में बेंजीन जैसा ही लगता है, बस कार्बन की कमी है, ठीक है। इसको देखे, चक्कर तो नहीं आ रहे ना, चक्कर तो नहीं आएंगे ना इसको देख के, बहुत ही आसान है। घूमते रहो बस कोने कोने में, साइड साइड में, ठीक है। ऐसे काउंट करो पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पाई बॉन्ड यानी कि 18 पाई इलेक्ट्रॉन। सब कुछ प्लेनर है तो बीच वालों को भी अपने आप प्लेन में आना पड़ेगा। ये पूरी रिंग प्लेनर है, कंपाउंड एरोमेटिक। कैसा एरोमेटिक? बेंजाइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बेंजाइन बोलते हैं। ये एक इंटरमीडिएट है, अगर आप 12th में हैं तो पढ़ चुके हैं, 11th में हैं पढ़ने वाले हैं, 13 में हैं तो भी आपको पता होगा कि बेंजाइन इंटरमीडिएट है। बाहर वाले पाई बॉन्ड का
no role, not in resonance. अंदर की रिंग देख पा रहे हैं, अंदर इस भूल गया इसको, ये वाली रिंग कैसी है? एरोमेटिक, ये एरोमेटिक होता है, ठीक है? अगर आप 11th के अकॉर्डिंग समझेंगे तो आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव रहेगा, मतलब इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है. अगर हम डिस्कस करते हैं SN, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, एलिमिनेशन पढ़ेंगे अगर उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन, अगर एलिमिनेशन की तरफ बात करेंगे हम, तो हमें पता है कि ये केस आने वाला है. डाउ प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल बना लेते हैं, एक रिएक्शन है जो आपके NCERT में दी हुई है, उसके पीछे जिम्मेदार यही है, ये एरोमेटिक होता है, ठीक है? एक क्वेश्चन है बड़ा आसान सा, AG में रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी? आयोडीन की रिएक्शन करा रहे हैं. अब AG का नेचर कैसा है कि AG NO3 रिएक्शन करके I- के साथ AGI बनाना पसंद करता है, और साथ में NO3- ढूंढ लेता अपने लिए क्या, कैटायन ढूंढ लेता है. क्या होगा? कुछ नहीं होगा. अगर रिएक्शन करवाओगे तो ये होगा कि जो आयोडीन है, ठीक है, वो अलग हो जाएगा AG प्लस 2 pi bond, यानी कि 4 pi इलेक्ट्रॉन, प्लस 3 pi bond ट्राइपोलियम आयन, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इस कंडीशन में ये कैसा हो गया? भयंकर एरोमेटिक. ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, और ये बन रहा है इंपॉर्टेंट एरोमेटिक. याद करो मैंने कहा था, इट्स नॉट जस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, इट्स इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड. ये क्या है? एरोमेटिक. ये है एंटी एरोमेटिक. तो जो एंटी बनाएगा उस पर तो रिएक्शन होनी ही नहीं चाहिए. जो एंटी बनाएगा उस पर रिएक्शन क्यों होगी? यानी ये रिएक्शन शो नहीं करता, और ये जबरदस्त रिएक्शन शो करता है. इसका के इक्विवेलेंट की बात करोगे ना तो ग्रेटर देन ग्रेटर 1 होगा, तुरंत रिएक्शन करेगा. इसका लेस देन 1 होगा, क्योंकि ये जो बना रहा है वो प्रोडक्ट अनस्टेबल है, और अनस्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनते. रिएक्शन देखो कैसे हुई होगी. AgNO3 Ag प्लस की फॉर्म में रिएक्शन करता है हैलाइड से. Ag और I- अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? Ag को. I- Ag प्लस बन जाएगा AgI, और पीछे छूट जाएगा प्लस. ऐसे यहां पर आयोडीन जब जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर, पीछे छोड़ जाएगा प्लस. समझ में आया क्या? तो ये था हमारा एरोमेटिक के ऊपर आज का लेक्चर. उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा. क्या करना है, दोबारा से एक बार दोबारा स्लाइड को रिवीट करना, और पूरा वीडियो दोबारा देखना, और कोशिश करना कि इस बार जवाब आप दे पाए, ठीक है? अगली वीडियो जल्दी आने वाली है, मतलब रोज हम एक एक वीडियो अपलोड करते हैं GOC के अंदर, और इसके अलावा क्विज भी होंगे, तो क्विज में आप कंटिन्यू करें. अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है? अगर आपको लगता है कि सर कोई सजेशन है, फीडबैक में आप दे सकते हैं, ठीक है? साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आती है तो प्रेस द बेल आइकन, घंटे को दबाइए, ताकि आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन, पहली बात. दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि भाई मजा आ गया, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को, ठीक है? ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ हम वापस आते रहें. आपका फीडबैक हमारा मोटिवेशन है. आप जितना हमें फीडबैक अच्छा देंगे, जितना आप हमें इंस्पायर करते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए हम अच्छी वीडियो के साथ इसी प्लेटफॉर्म में मिलेंगे. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग. बाय बाय.